दिल्ली की साकेत कोर्ट शुक्रवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। रोजाना की तरह कोर्ट परिसर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी फायरिंग होने लगी। महिला भाग रही थी और पीछे पिस्टल लिए वकील था। वकील ने महिला पर एक के बाद एक चार फायर किए। साकेत कोर्ट कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। महिला और वकील में पैसों को लेकर पुरानी रंजिश थी। डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। महिला ने वकील को 25 लाख के 50 लाख करने की बात कही थी, लेकिन बाद में पैसे नहीं लौटाए। इस केस में एम राधा जेल की हवा भी खा चुकी थी। हाई कोर्ट से महिला को जमानत मिली थी, जिसके बाद दोनों पक्ष सुलह करने के लिए शुक्रवार को साकेत कोर्ट पहुंचे थे। पैसे डबल नहीं होने और मूल रकम नहीं मिलने पर वकील ने महिला पर गोलियां बरसाई। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ये मामला पूरी तरह से चीटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वकील ने इस वारदात को अंजाम दिया। इंटरिम बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था और इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल कंडीशन पे दी थी। वो उसके कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था कि इसका फर्दर मीडिएशन चलेगा और जितना भी चीटिंग का अमाउंट है वो रिटर्न करेंगी। मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की FIR का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने चार राउंड फायरिंग की है, जिसमें से तीन राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम के विक्टिम है, विक्टिम को लगी है, और एक राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है सच नहीं। वकील ने अमराधा के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद चीटिंग के केस में महिला पिछले साल दिसंबर में अरेस्ट हुई थी। महिला को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी। मध्यस्थता के बाद ये तय हुआ था कि महिला जितनी रकम चीटिंग की है वो वकील को लौटाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ वकील ही नहीं, शातिर महिला ने कई दूसरे लोगों को भी चूना लगाया हुआ है। चीटिंग को लेकर कई केस उसके खिलाफ चल रहे हैं और कोर्ट के चक्कर वो कई बार लगा चुकी है। एक FIR रजिस्टर हुई थी, चीटिंग का केस था वो। चीटिंग का केस हमारी आज के इंसिडेंट की प्रेजेंट विक्टिम उस केस में अक्यूज्ड है, जिसमें कि उसने कुछ पैसे लिए थे इस कंडीशन पे कि उसकी डबलिंग करके देगी। वो पैसे रिटर्न नहीं किए थे उसने, और क्योंकि चीटिंग के और भी मसले चल रहे हैं हमारी आज की विक्टिम के ही खिलाफ और कोर्ट में चल रहे हैं 156(3) में, बेसिकली यही मैटर था और उसी से रिलेटेड। एम राधा नाम की महिला को तीन गोलियां लगी थी, जबकि एक गोली वकील के मुंशी को भी लगी। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन दिल्ली की कोर्ट में हुए इस गोलीकांड के बाद एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल उठने लगे हैं।